हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बेटे, आज हम लोग करेंगे आउट ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट। आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है बेटे? जैसे आपने पढ़ा पिछले चैप्टर में, हम लोग डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व के अंदर बेसिकली 10% ट्रांसफर करते थे। अब यहाँ पर हम लोग 100% ट्रांसफर करेंगे बेटे, कहाँ पर? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। बाकी बेटा क्वेश्चन एज इट इज आपका रहेगा। बस बेटे आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में यू हैव टू ट्रांसफर 100% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओके, अब बेटे इसी रेफरेंस में हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बेटे, ये भी अनलिस्टेड कंपनी है, कंपनी ने इश्यू किए हैं बच्चों 8 लाख डिबेंचर्स, 9% रेट है बच्चों, आउट ऑफ प्रॉफिट है और कंपनी इनको रिडीम करेगी बेटा 5% प्रीमियम, यानी कि डिबेंचर्स आर इश्यूड एट पार बट रिडेम्पशन एट प्रीमियम। अब देखो बेटे, कंपनी के पास ऑलरेडी 4,14,000 यानी कि 4,14,000 का रिजर्व है। तो देखो बेटे, कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं स्टूडेंट, डिबेंचर्स अमाउंट कितनी है बच्चों? 8 लाख। तो बेटे नो डाउट हमारा रिजर्व भी कितना होना चाहिए? 8 लाख होना चाहिए। लेस कर देंगे बच्चों एग्जिस्टिंग रिजर्व, हमें इस क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में अमाउंट किए ट्रांसफर किए वो आपको दे रखा है, दैट इज 4,14,000। तो बेटे हम लोग इसके अंदर 3,86,000 से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट करेंगे। कितने से करेंगे? 3,86,000 से। आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है 30 अप्रैल 2019 एज पर रो, और बेटा कंपनी ने बेसिकली यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट भी आपको गिवन है बेटे, वो है आपकी 10% पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दैट। ओके, अब देखो बेटे, कंपनी सबसे पहले क्या करेगी? DRR में पैसा ट्रांसफर करेगी। तो बेटे 31 मार्च, क्योंकि रिडेम्पशन कब है बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर, बेसिकली कंपनी रिडीम कब करना चाहती है डिबेंचर्स को वो देख के बेटे यहाँ पर बेटे इस क्वेश्चन में बता रखा है कि कंपनी 30 अप्रैल 2019 के अंदर क्या करेगी? हर तरह से इन्वेस्टमेंट करेगी, और उस इन्वेस्टमेंट पर बच्चों कितना इंटरेस्ट है? 10%। तो कंपनी बेटे बेसिकली 100% रिजर्व ट्रांसफर करेगी आउट ऑफ प्रॉफिट के केस में। 4,14,000 हमें गिवन है, तो हम कितना ट्रांसफर करेंगे बच्चों? 3,86,000। तो बेटा 31 मार्च 2019 में बेटा हम लोग ट्रांसफर करेंगे, क्या एंट्री करेंगे? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो बेटे कितना ट्रांसफर करेगी? 3,86,000। उसके बाद बेटे कंपनी क्या करेगी? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करेगी। कब करेगी स्टूडेंट? 11 मंथ बिफोर द रिडेम्पशन, यानी कि 30 अप्रैल 2019 में क्या एंट्री करेंगे? डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या जाएगी बच्चों हमारी अमाउंट। बेसिकली हमारे जो डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों? 8 लाख। 8 लाख का बेटे 15% करोगे, क्योंकि 15% करते हैं हम लोग DRI में इन्वेस्टमेंट। तो बेटे ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 1,20,000। ओके, उसके बाद बेटे जब रिडेम्पशन स्टार्ट होगा तब हम लोग बेटे इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? सेल कर देंगे। तो बेटे क्या एंट्री करेंगे हम लोग 31 मार्च 2020 में रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है, तो हम सबसे पहले बेटे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट को सेल कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। इन दिस क्वेश्चन इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो इन्वेस्टमेंट गिवन, तो बेटे क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट अर्न। ओके, क्या आ जाएगा? टू इंटरेस्ट। कुछ की आपको किया है ताकि आपको भी ध्यान रहे बेटे, कंपनी रिडेम्पशन 31 मार्च 2020 को नहीं कर रही, कब कर रही है? 1 अक्टूबर 2019 में कर रही है। तो बेटे यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि कंपनी जब क्या करेगी बच्चों, इन्वेस्टमेंट बेसिकली जो हमारे डिबेंचर्स हैं उनको रिडीम करेगी, उसी साल बेटे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे डिबेंचर्स से जो अमाउंट हमें इन्वेस्टमेंट के रूप में मिलनी है उसको रिकवर करते हैं। लेकिन बेटे कंपनी रिडेम्पशन कब कर रही है? 1 अक्टूबर 2019 में। तो बेटा मैं इन्वेस्टमेंट की वो भी सेल कब करूंगी? 1 अक्टूबर 2019 में। ये पॉइंट मैंने इसलिए किया ताकि आपको ये मिस्टेक ध्यान रहे, ठीक है बच्चों? तो आप करोगे इसमें 1 अक्टूबर 2019। ओके, तो देखो बेटे डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितने की है? 1,20,000।
ठीक है बच्चों। अब 30 अप्रैल से हम लोग 1 अक्टूबर तक का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है बच्चों, 10% रेट है। ओके तो बेटा ये बनेंगे हमारे 5 मंथ्स। कितने बनेंगे बच्चों? 5 मंथ्स। और इसकी अमाउंट आ जाएगी बच्चों 5,000। तो बेटे 5,000 इंटरेस्ट के अंदर आ जाएगा। और ये आ गया स्टूडेंट हमारा 1,25,000। उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे, डिवेंचर्स होल्डर की डिवेंचर्स की अमाउंट ड्यू करेंगे। क्या एंट्री करेंगे? बेसिकली जो हमारे डिवेंचर्स हैं बेटे वो कितने परसेंट है? 9% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब देखो बेटे आप सबको पता है ना कि डिवेंचर्स को हम लोग एट प्रीमियम रिडीम कर रहे हैं। ओके तो बेटे 5% प्रीमियम है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। 8,00,000 रुपए के डिवेंचर है बच्चों। बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो हमारे डिवेंचर क्वेश्चन में कितने? 8,000 के। 8,000 रुपए बेटे आप लोग बेसिकली 100 रुपए पे 5% है, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटे कितना आ जाएगा? ये 40,000। यानी कि कहने का मतलब क्या है, 8,000 डिवेंचर्स हैं, ये 100 रुपीज के हिसाब से दैट इज 8,00,000। 5 रुपए है बेटे 100 का 5 रुपीज, तो बेटे 5 से मल्टीप्लाई करोगे 40,000। तो बेटे हमारे डिवेंचर होल्डर्स की अमाउंट कितनी ड्यू हो जाएगी? 8,40,000। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 में आप पेमेंट कर देंगे। क्या एंट्री करेंगे स्टूडेंट? डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके 8,40,000। उसके बाद बेटे आप पैसा DRR का कहां ट्रांसफर करेंगे? अब आप लोग बेटे बेसिकली क्या करेंगे, DRR का पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। 1 अक्टूबर 2019 में क्या एंट्री करोगे? डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे बच्चों? फेस वैल्यू जितनी है डिवेंचर्स की उसका 100%। तो 100% कितना है बच्चों? 8,00,000। आई थिंक आपको क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर हो। इसी वीडियो के अंदर बेटे मैं आपको एक क्वेश्चन और करा रही हूँ ताकि आपको और अच्छे ढंग से क्लैरिटी आ जाए। फ्रेंड्स इसी रेफरेंस में हम लोग करेंगे एक क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटे ध्यान से, कुबेर लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। 1 अप्रैल 2015 के अंदर बेटे 7,00,000 रुपीज की एसेट्स और 80,000 रुपीज की लाइबिलिटी से बिजनेस परचेज करती है वरुण लिमिटेड से। तो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर वरुण लिमिटेड क्या है? वेंडर। वैल्यू कितनी है बच्चों? 6,30,000। तो आप बेटे इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? फर्स्ट वन, एंट्री ट्रांसफर करने से पहले डेट 1 अप्रैल 2015 सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज और टू वेंडर। वेंडर यहां पर कौन है स्टूडेंट? टू वरुण लिमिटेड। अब देखो बेटे इस क्वेश्चन के अंदर हमें एसेट्स ये रखी हैं 7,00,000 की और बेटा लाइबिलिटीज हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों 80,000 की और बेटा 6,30,000 है एग्रीड अमाउंट। तो बेटे आप सबको पता है अगर हमारा डेबिट का टोटल कम आता है, क्रेडिट का ज्यादा आता है, तो डेबिट साइड पे रिमेनिंग फिगर क्या होती है बच्चों? गुडविल। और क्रेडिट साइड पर क्या होती है? आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखने के बाद मुझे बताइए कि अगर मैंने बताया कि डेबिट साइड पे अगर कम होता है तो गुडविल आती है। ये क्वेश्चन आप लोग कंपनी अकाउंट से बहुत बार कर चुके हैं। तो बेटे आप मुझे ये बताइए कि बेसिकली अगर क्रेडिट साइड पे कम होता है तो क्या ट्रांसफर करते हैं, किस नाम से ट्रांसफर करते हैं? ओके यहां तो गुडविल ट्रांसफर करेंगे, देन गुडविल इज अमाउंटिंग रूपीज 10,000। ओके आगे देखो बेटे, अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको बता रखा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, 6,30,000 की पेमेंट करने के लिए 10% डिवेंचर, 100 का डिवेंचर है और 5% प्रीमियम। तो देखो बेटे यानी कि 100 का 5% ऑब्वियसली 105 बन गया बेटे परचेज। अब अगर हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना हो चो, नंबर ऑफ डिवेंचर, तो कैसे निकालोगे? कितनी अमाउंट पे करनी है हमें? 6,30,000 डिवाइड बाई 105, देन द डिवेंचर्स आर 6,000। तो बेटे आप लोग बेटे बेसिकली क्या करोगे, इन डिवेंचर्स को इश्यू करने की एंट्री करोगे, वेंडर टू डिवेंचर्स। तो बेटा 1 अप्रैल के अंदर आप डिवेंचर्स इश्यू करेंगे वरुण लिमिटेड डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर्स हैं? 10% डिवेंचर्स अकाउंट। 6,30,000 पे करनी है बच्चों
ओके। और यहाँ पर आ गया स्टूडेंट हमारा 6000 डिबेंचर्स हैं, 100 रुपीज के हिसाब से बेटे ये बन गया बच्चे हमारा 6 लाख। और 5 रुपीज क्या है बच्चों प्रीमियम, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000। ओके आगे देखो बेटे इसी तरह से डीआरआई में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब यूं देखो बेटे कि हम लोगों को डिबेंचर्स बेसिकली कब रिडीम करने हैं, तो देखो बेटा डिबेंचर्स को 31 अक्टूबर 2020 में किया जाएगा। तो बेटे 31 मार्च के अंदर हम लोग सबसे पहले बेटा पैसा कहाँ ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे डिबेंचर के अंदर, आप एक बात और नोट करेंगे बेटा हमारा जो रिडेम्पशन है वो भी बच्चों क्या है एट प्रीमियम है। तो बेटे इसके लिए आप एक बार सेंट्री में ही थोड़ी सी करेक्शन करेंगे बच्चों, यहाँ पर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन भी आएगा बच्चों, क्योंकि बेसिकली हमारा जो डिबेंचर्स है वो हम लोग 105 में तो क्या कर रहे हैं बच्चों इश्यू कर रहे हैं, और बेटा 104 रुपए में हम उसको क्या कर रहे हैं रिडीम कर रहे हैं। तो क्या टॉपिक बन गया, डिबेंचर्स आर इश्यूड एट प्रीमियम एज वेल एज रिडेम्पशन एट प्रीमियम। तो बेटे 4 रुपए के हिसाब से बेटा ये आ गया हमारा 24,000। अब एक बार बेटे डेबिट साइड पे भी आप लोग करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स डेबिट, दिस इज ऑल्सो 24,000। ओके तो बेटे ये बात ध्यान रखें कि रिडेम्पशन एट पार है या एट प्रीमियम, अगर एट प्रीमियम है तो आप सबको बताया बेटे प्रीमियम रिडेम्पशन क्रेडिट होता है और लॉस हमारे लिए क्या होता है बच्चों डेबिट होता है। उसके बाद हम लोग बेटे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखो बेटे बेसिकली हमारे डिबेंचर्स कम रिडीम हो रहे हैं 31 अक्टूबर 2020 के अंदर। तो बेटे हम लोग इन्वेस्टमेंट कब करेंगे यहाँ पर बेसिकली स्टार्ट करेंगे, रिडेम्पशन कब स्टार्ट है बच्चों 31 अक्टूबर 2020 में, ठीक है। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे बेसिकली इसके अंदर डीआरआर के अंदर पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो क्या एंट्री करेंगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ओके तो बेटे कितना ट्रांसफर करेंगे 10%। तो बेटे यहां पर हमारे जो डिबेंचर्स हैं 6000 डिबेंचर्स से बच्चों फेस वैल्यू कितनी है 100 रुपीज, तो बेटा ये कितने के आगे 6 लाख का 10% हम लोग कहाँ ट्रांसफर करेंगे बच्चों, क्योंकि बेटे अगर क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट क्या रखा हो तो 100%, अदरवाइज डीआरआर में हम लोग कितना डालते हैं डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 10%। उसके बाद बेटे हम लोग क्या करेंगे इन्वेस्टमेंट करेंगे 30 अप्रैल के अंदर, अरे 31 मार्च। ओके तो बेटे यहां पर क्या एंट्री आ जाएगी डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बेटा जितनी हमारे पास बेटा बेसिकली क्वेश्चन के अंदर डिबेंचर्स हैं, डिबेंचर्स कितने हैं बच्चों 6 लाख के, 6 लाख का कितना परसेंट करेंगे बच्चों 15%, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 90,000। ओके कितना आ जाएगा 90,000। अब देखो बेटे रिडेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसको सेल कर देंगे 2020 में बेटा 31 अक्टूबर को आप रिडेम्पशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको सेल करेंगे क्या एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ओके तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा 90,000। उसके बाद बेटे हम लोग डिबेंचर होल्डर्स की अमाउंट ड्यू करेंगे 31 अक्टूबर में, तो क्या एंट्री करेंगे बेटा हमारे जो डिबेंचर्स की रेट है बेटे वो हमारे क्वेश्चन के अंदर कितनी है 10%, तो क्या एंट्री करोगे 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। आप सबको पता है बच्चों हमारे डिबेंचर्स क्वेश्चन में कितने के हैं 6 लाख के, और बेटा 4 रुपीज के हिसाब से अभी हमने किया था प्रीमियम और रिडेम्पशन कितना है बच्चों 24,000, तो हम लोग बेटे कितनी अमाउंट ड्यू करेंगे 6,24,000। उसके बाद बेटे नेक्स्ट एंट्री हम लोग क्या करेंगे डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट करने की, क्या एंट्री बनेगी बच्चों ऑन 31 अक्टूबर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके ये आ जाएगी बच्चों हमारी 6,24,000। ओके बेटे इसके बाद एक लास्ट एंट्री जो हमारे क्वेश्चन में रह जाती है रिडेम्पशन रिजर्व से पैसा हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चों डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू
जनरल रिजर्व. ओके, कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे बच्चों? 60,000. डिबेंचर्स की फेस वैल्यू का 10% द अमाउंट ऑफ DRR ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व. देखो बेटे, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आउट ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कराया है, और अगर मान लो परचेज कंसीडरेशन अदर देन कैश का टॉपिक आ जाता है तो उसमें आप कैसे डील करेंगे, उसे रिलेटेड टॉपिक कराया है. बेटे आपकी बेसिकली अगर मैं बात करती हूँ क्वेश्चन की, बेटे बहुत ही कम क्वेश्चन आपको गिवन है, आपको टॉपिक और अच्छे ढंग से क्लियर हो, इसके लिए बेटे आप क्वेश्चन को बार बार ट्राई कीजिए, एडिशनल क्वेश्चन कीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स.